हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा, साइंस के टॉपिक में आपको लेकर मैं चल रहा हूँ। कार्य शक्ति और ऊर्जा की बात करेंगे आज। नई टॉपिक है ये, टॉपिक ऐसी टॉपिक है जो जितने भी कंपटीशन होते हैं सारे कंपटीशन में ये टॉपिक से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर बात करें आपसे, NTPC हो गया, पटवार हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, ऐसे ढेर सारे ऐसे कंपटीशन एग्जाम है जहाँ से साइंस के टॉपिक, ये टॉपिक जो है, इन टॉपिकों से क्वेश्चंस अटेम्प्ट होती है। तो चलो दोस्तों, आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट की बात करें, सबसे पहले बात करें कार्य की बात करें। कार्य क्या होता है? सिंपल से भाषा में दैनिक जीवन के रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसे काम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काम। आप इसे काम भी बोल सकते हो, एक प्रकार का काम। काम को अपनी स्टैंडर्ड भाषा में कार्य कहते हैं। इनको इंग्लिश में वर्क बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्क कहते हैं। अब ये कार्य क्या होता है, कार्य किसे कहते हैं? डेली लाइफ में भी अपन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी एक प्रकार का काम है, ठीक है ना। तो कार्य शक्ति और ऊर्जा ये हमारे लाइफ में भी है, साइंस में भी। साइंस लाइफ में जो भी घटना घटित होते हैं वो सारे के सारे साइंस में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं कार्य की बात, कार्य किसे कहते हैं? नॉर्मली जब कोई वस्तु दूरी तय कर ले, जैसे फोर्स लगाते हो, बल लगाते हो और उनके द्वारा कुछ दूरी तय होते हैं तो उसको अपन काम कहते हैं। एक वो भी काम होता है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, ये भी एक काम है। कूली सामान लेकर, बोझ लेकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाते हैं, वो भी काम होते हैं। वहां पे स्टेशन मास्टर हरी झंडी दिखाते हैं, वो भी एक प्रकार के काम है। इन सब कामों को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उन्हीं के एक स्टैंडर्ड भाषा में अपन ने क्या नाम दे दिया? कार्य। कार्य मतलब वर्क। वर्क किसे कहते हैं? अब इनसे पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले उनको परिभाषित करने का क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट उनके सूत्र बन जाते हैं, कौन सी राशि है और इनका मात्रक क्या होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट इनमें से आते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करो कार्य किसे कहते हैं। कार्य बराबर क्या होता है? सबसे पहले बल और विस्थापन, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब ये आपको पेपर में आ जाते हैं कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन मिलते हैं, चार ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन वहां पे रहता है कार्य, दूसरा ऑप्शन आपके पास यहां पे है शक्ति, तीसरा ऑप्शन आपके पास यहां पे है ऊर्जा, चौथा ऑप्शन से आपके पास संवेग। जब आपको इनको राशियों के गुणनफल पता होगा तभी आप जाके टिक लगा सकते हो, अन्यथा आप टिक नहीं लगा सकते। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अपने को टिक लगाना है, कार्य कहते हैं दोस्तों। चलो अब इनको परिभाषित करने की बात आए तो परिभाषित कैसे किया जा सकता है? जब किसी राशि, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में कुछ दूरी तय करता है। क्या कहा दोस्तों मैंने? जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो बल, तो वस्तु बल की दिशा में कुछ दूरी तय करता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अब यहां पे दोस्तों इनके परिभाषित करने के तरीका मैंने क्या कहा, जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है तब वस्तु बल की दिशा में कुछ दूरी तय करता है। अर्थात बल की दिशा में, अर्थात बल और, बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल को,
बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के गुणन। यहाँ पे आप और लिख लो, यहाँ पे और बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्य कहते हैं। कभी कभी आपको ये सिर्फ परिभाषा आ सकता है। क्या आ सकता परिभाषा? नंबर एक परिभाषा, जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तब वस्तु बल की दिशा में कुछ दूरी तय करता है, अर्थात बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के गुणन फल को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्य कहते हैं। तो आपको तो एक ऑप्शन ये आ जाते हैं, परिभाषा मिल गया और यहां पे कहते को कहते हैं, डैश मिलेगा तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो कार्य कहते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरे पर क्या आएगा? बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। दो टॉपिक कंप्लीट हो गया आपके, दो पॉइंट कंप्लीट हो गए आपका। चलो तीसरे पॉइंट आ जाते हैं कभी कभी पेपर में, कि कार्य बराबर होता है, क्या होता है? कार्य बराबर होता है। अब इस तरह से डैश मिल जाएगी आपको कि कार्य बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों? फिर यहां पे चार ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, चार ऑप्शन मिलेंगे। क्या ऑप्शन मिलेंगे? पहला ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहां पे, बल गुने समय, समय गुने दूरी, बल गुने विस्थापन और संवेग गुने ऊर्जा। अब अपने किस पे टिक लगाना है दोस्तों? मैंने क्या कहा था आपसे कि जैसे कार्य के बारे में पूछ ले कि कार्य बराबर होता है, तो कार्य बराबर होता है क्या होता है? तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं इसके दो राशियों के गुणनफल के बारे में बात कर रहा है। तो मैं बताऊंगा बल इंटू विस्थापन, इन चार ऑप्शन में देखेंगे कि कहां पे बल इंटू विस्थापन है। तो बल इंटू विस्थापन यहां पर इस पर टिक लग गया, ठीक है। और यदि यहां पे विस्थापन नहीं होगा तो दूसरी पॉइंट में क्या हो सकता है? दूरी जरूर होगा दोस्तों। यहां से सिर्फ एक कार्य से अपन तीन पॉइंट कंप्लीट कर लिए। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, एनटीपीसी हो, भेल हो, या राजस्थान की किसी भी लेवल की पेपर हो, इंडिया की किसी भी कंपटीशन लेवल के पेपर हो, यदि उसमें साइंस है और साइंस के टॉपिक में कहीं ना कहीं सिलेबस में यदि इस पॉइंट से दे रखे थे, ये क्वेश्चंस उनके तहत ये बनता और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने को पेपर में आते हैं। चलो दोस्तों, एक तो ये हो गया मैं कि कार्य वर्क बल गुने विस्थापन, इसको अपन इंग्लिश में हम इस तरह से लिख सकते हैं, W बराबर बल को अपन F से डिनोट करते हैं इनटू विस्थापन, विस्थापन को अपन यहाँ D भी लिख सकते हैं या S भी लिख सकते हैं। D मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों, तो यहाँ पे अपन डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, एफ इंटू डी या एफ इंटू एस, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो या F into S, ओके? अब अपने से पूछा जाता है कि कार्य कौन सी राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि। आपसे कभी कभी पूछ लिया था कि कार्य है कौन सी राशि, अदिश सदिश, अदिश सदिश दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो अपने को टिक लगाना है अदिश राशि है। ये भी क्वेश्चंस बन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक या इकाई होता है, कार्य का मात्रक या इकाई होता है, क्या होता है दोस्तों? मैं यहां से निकालूंगा, यहां पे है बल, यहां पे है विस्थापन, बल और विस्थापन, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एसआई मात्रक की बात करते हैं तो मैं यहां पे एसआई भी लिख सकता हूं। किसमें पूछ रहा? कार्य का मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक या इकाई होता है, क्या होता है दोस्तों? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर, क्या होता है दोस्तों? न्यूटन मीटर, या यहां पे आपको लिखा सकता है न्यूटन मीटर,
इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट बन जाते इसी में से आपके पास, पहला पॉइंट ये बन गया, दूसरा पॉइंट आपकी ये बन गई, तीसरा पॉइंट आपके पास ये है, तीन पॉइंट में से इनमें से आते, चौथे पॉइंट जो बनते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, वो पॉइंट सा होता है कि कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक या इकाई CGS पद्धति में होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्य का मात्रक इकाई या CGS पद्धति में होता है, क्या होता है? अब यहां पे ये भी आ सकता है, तो आपको यहां पे आ सकता है क्या, ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर भी आ सकता है। ये छोटे छोटे पॉइंट आते हैं जो अपने को पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे आपके कार्य के अलावा जो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शक्ति। शक्ति, तो शक्ति से पहले एक टॉपिक और मैं इसमें से जोड़ देना चाहता हूं, ताकि अब मैं आपको बाद में बताऊं तो आपको याद आ जाए कि कार्य का बीमा, कार्य का बीमा होता है। बीमा भी निकाल सकते हो कभी कभी, बीमा के बारे में एनटीपीसी में सबसे ज्यादा, रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा बीमा, एसएससी के अंदर सबसे ज्यादा बीमा की बात होती है, तो बीमा निकालते अपन कि कार्य का बीमा क्या होता है दोस्तों। तो कार्य का बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी किसकी बात करेंगे, राशि की बात करेंगे। यहां दो राशि है, बल और विस्थापन, तो बल इंटू विस्थापन। तो किसी भी राशि की यदि अपन बीमा निकालते हैं तो उसके पहले फॉर्मूला सूत्र पता होना चाहिए, क्या है, बल इंटू विस्थापन। तो बल, बल किसे कहते हैं दोस्तों, तो बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और विस्थापन तो विस्थापन डी, सिंपल। अब यहां से इसका अपन क्या निकाल सकते हैं, अब इसका निकाल सकते हैं अपन बीमा। तो सबसे पहले द्रव्यमान को हम सिर्फ एम से डिनोट करते हैं, मास से, और त्वरण ये होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। तो एम तो हो गया इंटू, अब वेग बटा समय की बात कर रहे हो, यहां से और लेके चल सकते हैं, या वेग, वेग किसे कहते हैं दोस्तों, तो यहां पे होता है विस्थापन बटा समय, और एक और समय दे दो इंटू डी, और भी अपन यहां से निकाल सकते हैं एम इंटू। अब यहां विस्थापन, विस्थापन का क्या होता, विस्थापन को लेके चलते एल, तो एल बटे समय, समय को नीचे कर दो तो समय हो जाएगा टी टू इंटू, फिर यहां पे डी, डी मतलब क्या, अपने पास विस्थापन है, विस्थापन को हमेशा दूरी से करते अपन काम, लंबाई से मापते हैं, तो यहाँ पे और लिख देंगे L, तो क्या हो गया M1 L L L2 T2 नीचे बेटा, तो ऊपर ले चलेंगे तो इसको T माइनस टू, ये हो गया अपना कार्य का बीमा, कार्य का बीमा। इस तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे कि बीमा किस तरह से निकाले जाते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे छोटा सा पॉइंट करके बता दिया कि बल, बल बराबर तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, विस्थापन को डी से अपन करते हैं, तो द्रव्यमान को हम एम से डिनोट कर दिए, त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग बटा समय लिख दिया, तो वेग, अब वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय, नीचे समय, तो समय, समय नीचे आएगा विस्थापन, तो विस्थापन को मैंने एल लिख दिया यहाँ पे, समय को नीचे लिया तो समय इंटू समय, तो टी स्क्वायर।
और यहाँ डी विस्थापन, विस्थापन को हमेशा किस में मापते हैं, लंबाई में मापते हैं, दूरी में मापते हैं उसको, इसीलिए मैंने यहाँ पे एल लिख दिया लेंथ। एल और एल को मल्टीप्लाई किया तो एल टू हो गया, यहाँ पे टी टू नीचे था, टी टू को अपन ऊपर ले गए तो हो गया टी माइनस टू। इस तरह से हमने कार्य का बीमा निकाल दिया दोस्तों। यदि ये टॉपिक आपको बीमा निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं नए टॉपिक पे जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं एक एक टॉपिक पे बताऊंगा कि हम किस तरह से बीमा निकाल सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आए तो मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको और भी क्लियर कर दूंगा कि बीमा किस तरह से निकाले जाते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, अपन शक्ति की बात करेंगे। शक्ति, शक्ति को अपन हिंदी में शक्ति कहते हैं और ऐसे इसको क्या बोलते हैं अपन, पावर। किसे कहते हैं शक्ति, शक्ति क्या होता है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कभी कभी आता है कार्य करने की दर को कहते हैं, शक्ति आपको नहीं मिलेगा तब को ध्यान होना चाहिए किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया इसका परिभाषा, सबसे पहले मैंने इसकी परिभाषा डिफिनेशन आपको मैंने बता दिया परिभाषा की क्या होता, तो परिभाषा बता दिया कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कार्य और समय के अनुपात को कहते हैं, कभी ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कार्य और समय के अनुपात को कहते हैं, ये परिभाषा बना तो भी अपन बोलेंगे शक्ति कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। या परिभाषा कभी कभी उल्टे आ जाते हैं और आपसे सिर्फ पूछ लिया जाता कार्य और समय के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहां पे भी लिखेंगे अपन शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शक्ति कहते हैं। यहां पे भी अपन शक्ति को डिनोट कर दिए, ये हो गए शक्ति। सबसे इंपॉर्टेंट है और परिभाषा जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से एज इट इज हर लेवल के कंपटीशन लेवल में, यदि ये सिलेबस में टॉपिक है साइंस में तो ये टॉपिक क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं और यह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं बेटा पेपरों में। तो मैंने आपको बता दिया कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं, दूसरा कार्य और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। या इन दोनों में से यदि टॉपिक में नहीं आ पाता तो तीसरे टॉपिक भी एग्जाम में पुट अप हो जाते हैं। किस तरह से होते हैं दोस्तों, मैं ये बता देता हूं। क्या जाता है कि शक्ति को किससे डिनोट करते हैं, शक्ति को पी से डिनोट करते हैं और पी बराबर क्या होता है, ठीक है ना, शक्ति को किससे डिनोट करते हैं, पी से। मैं लिख दूंगा पहले शक्ति, ब्रैकेट में अपन क्या लिख देंगे, पी बराबर कृत कार्य यानी किया गया कार्य और समय, कृत कार्य और कृत कार्य यानी किया गया कार्य और उनमें लगा समय, किया गया कार्य, किया गया कार्य को क्या कहते हैं अपन, कृत कार्य और उनमें लगा समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। तीन तरह से परिभाषा बताए, तीनों ही पेपर में कहीं ना कहीं उल्टे सीधे करके पूछ लेते हैं और यदि आपको सिर्फ एक परिभाषा के बारे में पता है तो आप फाइट नहीं कर पाओगे पेपर, नहीं क्लियर कर पाओगे पेपर, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस और आपके एग्जाम का पैटर्न भी समझ में नहीं आ पाता होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ छोटे छोटे टॉपिक को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ तीन तरह से, पहले तो मैं दो तरह से परिभाषा के बारे में बता दिया, तीसरे टॉपिक को मैंने लिखा कृत कार्य यानी किया गया कार्य और समय के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इस तरह से परिभाषा आ जाएगा। इंग्लिश में भी कभी कभी आता कृत कार्य का मतलब क्या, वर्क डन, वर्क डन अपॉन टाइम। छोटे से परिभाषा में सिर्फ डब्ल्यू अपॉन टी लिखा सकता है यानी पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, सिंपल W अपॉन टी यानी P बराबर W अपॉन टी यानी शक्ति बराबर होता है कृत कार्य बटा समय। या ये पूछ ले इंग्लिश में पूछे तो आपको इस तरह से वर्क डन अपॉन टाइम, या शॉर्ट में पूछे तो W अपॉन टी, किसी भी तरह से पूछ सकता है।
अब आपसे ये भी पूछ सकता है शक्ति कौन सी राशि है, तो शक्ति भी एक अदिश राशि है, शक्ति एक अदिश राशि है, कौन सी राशि है, अदिश राशि है। शक्ति का मात्रक, अब शक्ति का मात्रक की बात करें तो शक्ति भी दो प्रकार के होते हैं, एक यांत्रिक शक्ति होती है और एक वैद्युतिक शक्ति होती है। यांत्रिक शक्ति को अपन किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं और वैद्युतिक शक्ति को यानी इलेक्ट्रिकल पावर को और मैकेनिकल पावर को, मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर, तो मैकेनिकल पावर को हम किस तरह से परिभाषित करें और इलेक्ट्रिकल पावर को हम किस तरह से परिभाषित करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे शक्ति की इकाई पूछ ले तो शक्ति की इकाई हमको दो तरीके से बताने, किस तरीके से, दो, एक तो व्यवहारिक तरीके आ जाता प्रैक्टिकली जिसको कहते हैं व्यवहारिक, आपसे पूछा जाएगा कि शक्ति की व्यवहारिक इकाई क्या है, आपको शक्ति की व्यवहारिक इकाई बताना है और शक्ति की एसआई इकाई क्या है या परम इकाई क्या है ये भी पूछ लेते हैं, तो ये भी बताना है। तो मैं दोनों ही बता देता हूं, सबसे पहले बताता हूं शक्ति की व्यवहारिक इकाई एचपी है, एचपी का मतलब हॉर्स पावर, क्या हॉर्स पावर ये आता है, एचपी आएगा आपको एचपी पे टिक लगा देना है, किस पे टिक लगाना है दोस्तों, एचपी पे आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट आपको आ जाए कि शक्ति की परम इकाई क्या है, शक्ति की परम इकाई इकाई है, तो शक्ति की परम इकाई क्या है, वाट, क्या दोस्तों, वाट, तो यहां पे वाट आ गया। और यदि आपको यदि उन दोनों में से नहीं आए, ना आपको व्यवहारिक इकाई पूछ रहा ना परम इकाई पूछ रहा, और ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं, परम इकाई पूछे और ये ऑप्शन में नहीं है, व्यवहारिक इकाई पूछे और एचपी ऑप्शन में नहीं है, तो तीसरे तरह से भी हम बता सकते हैं कि शक्ति की इकाई क्या हो सकता है। तो शक्ति की इकाई, शक्ति की इकाई है, यहां से निकालो दोस्तों, इस फॉर्मूला से भी आ सकता है, फॉर्मूला के बारे में बता सकता है, फॉर्मूला से भी आ सकता है, क्या, यहां पे कार्य, कार्य का मात्रक क्या हो सकता है, तो कार्य का मात्रक अपन ने अभी देखे थे, ठीक है ना, तो कार्य का मात्रक भी यहां लिख सकते हो और टी का भी मात्रक लिख सकते हो, इस तरह से दोनों का भी मात्रक आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको लिख सकते हो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, इस तरह से आपको शक्ति की इकाई है जूल प्रति सेकंड, कार्य की भी इकाई होता है एसआई प्रणाली में, तो यहां पे भी आपको आ सकता है जूल, तो जूल पे आप टिक लगा सकते हो, उसी तरह से शक्ति की इकाई होती है जूल प्रति सेकंड, अर्थात आ सकता आपको एक वाट बराबर होता है, एक वाट बराबर क्या होता है, तो यहां पे आपको लिखना है एक जूल प्रति सेकेंड, एक जूल प्रति सेकेंड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करिए और भी कोई भी कंपटीशन लेवल की पेपर उन सब की बात करें तो ये जरूर आएगा एक वाट बराबर क्या होता है, तो एक वाट बराबर एक जूल प्रति सेकेंड, या ये इस प्रति का इस तरह से हम सिंबल भी लिख सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, योग अपनी शक्ति की बात होगी, अब अपन किसकी बात करेंगे, अपन बात करेंगे ऊर्जा का, ऊर्जा, ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऊर्जा को इंग्लिश में अपन कहते हैं एनर्जी,
ठीक है ना। और ऊर्जा को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं, तो अभी तक कुछ बुक में ऐसे भी है कि सिर्फ परिभाषित करने की बात होती है, लेकिन मैं आपको सूत्र भी बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा किस तरह से इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं और भी दूसरे तरीके से। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या पेपर में आता कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, आपके पास चार ऑप्शन मिल गया। चार ऑप्शन में पहले फिर से बता देता हूं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, फिर ऑप्शन, ऑप्शन में हो सकता पहले पे कार्य, दूसरे पे हो सकता शक्ति, तीसरे पे हो सकता ऊर्जा और चौथे पे हो सकता बल। अब अपने को किस पे टिक लगाना, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते थे। मैं पहले टॉपिक पे डिस्कस कर लिया था, यहां पे ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो अपन ऊर्जा पे ही करेंगे। ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। एक तो इस तरह से परिभाषित आ जाता, दूसरा यदि आपको परिभाषित करने के लिए आएगा तो यहां लिखा होगा ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा बराबर क्या होता है। अब वहां पे अपने को क्या मिलेंगे, फॉर्मूला मिल जाएगा, सूत्र, दो राशियों के गुणनफल होनी जरूरी है, या अपोन में हो या गुना में हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर होगा, लिखा होगा आपके पास शक्ति इंटू समय, शक्ति और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। शक्ति और समय के गुणनफल को ऊर्जा कहते हैं। अब आपको परिभाषा ये हो सके तो इस टाइप से पेपर में अटेम्प्ट मिलेगी, या इस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों में से किसी भी पूछ सकते हैं। अब अपने से पूछ लिया जाएगा कि ऊर्जा में कौन सी राशि होती है, ऊर्जा कौन सी राशि है, ऊर्जा, ऊर्जा भी कार्य की तरह, कौन सी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश सदिश में हमेशा कंफ्यूजन रहते हैं, जब मैं टॉपिक अब नेक्स्ट क्लास में लूंगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा अदिश और सदिश किस तरह से होते हैं और क्यों अपन मानते हैं कि अदिश और क्यों ये सदिश राशि है। अभी फिलहाल अपने को यहां पे ध्यान देना है कि ऊर्जा भी कार्य की तरह क्या है, अदिश राशि है, यानी क्या है, अदिश राशि। ये हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, तो आपको बता दूं ये है अदिश राशि। अब आपसे पूछा जाता ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जिस तरह से देखा आपने कार्य की मात्रक होती, उसी तरह से ऊर्जा का भी मात्रक होता है। कार्य का मात्रक भी एसआई प्रणाली में, एमकेएस प्रणाली में अपन ने क्या बताया, न्यूटन मीटर, या न्यूटन मीटर नहीं होगा वहां पर तो क्या लिखा होगा, वहां पर लिखा होगा जूल। एक जूल बराबर कितने न्यूटन मीटर, तो एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर। तो जिस तरह से कार्य का मात्रक होता उसी तरह से सेम ऊर्जा का भी मात्रक होता है। तो ऊर्जा का मात्रक एसआई या एमकेएस पद्धति में क्या लिखेंगे, जूल, क्या होता है, जूल होता है, ठीक है दोस्तों, जूल। अब यदि यहां पे यदि एज ए प्रैक्टिकल यहां देखा जाए इसके अनुसार से, तो इसके अनुसार से अपन नहीं निकालेंगे, अपन डायरेक्ट निकालेंगे हमेशा, ऑलवेज की बात करें हमेशा किसी न किसी पेपर में सबसे ज्यादा यही पद्धति में पूछे जाते हैं, एसआई पद्धति में क्या होता है, एमकेएस पद्धति में क्या होती है, मैं पद्धति की भी डिस्कस करूंगा आपको। तो ये जूल की लिखे, ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। चलिए दोस्तों अब हम नए टॉपिक की बात करते हैं, इसमें ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो टॉपिक साइंस के, ऐसे ऊर्जा बहुत विभिन्न प्रकार के सोर्स हैं, स्रोत जिसको कहते हैं, कोयला से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, सूर्य से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, हवा से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, पानी से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, ये सारे ऊर्जा के सोर्स माने जाते हैं, एनर्जी सोर्स है। बट ऊर्जा के प्रकार की बात करें तो ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दोनों कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा,
दूसरा होता है आपका विद्युत ऊर्जा। तो सबसे पहले अपन यांत्रिक ऊर्जा का डिस्कस करेंगे, यानी मशीन द्वारा, मशीन यानी यांत्रिक, यांत्रिक द्वारा कार्य करने की क्षमता, यांत्रिक द्वारा यानी मशीन द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। किसी भी मशीन की क्षमता कितनी है, कितने समय तक वो कार्य कर सकता है, तो हम क्या कहेंगे उसको, यांत्रिक ऊर्जा। अब ये यांत्रिक ऊर्जा भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये भी यांत्रिक ऊर्जा भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हर कंपटीशन लेवल में, हर प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चंस आते हैं इनसे जरूर पूछे जाता है क्वेश्चन। नंबर एक पॉइंट कौन कौन से है, दो है अपने पास। नंबर एक है अपने पास इसमें स्थितिज ऊर्जा की बात करें और दूसरा गतिज ऊर्जा की बात करें। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। कभी कभी आपको इंग्लिश में भी वर्ड मिल जाए पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। पेपर में किसी भी लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज यूज हो सकता है, इंग्लिश को इंग्लिश टू मी आ सकते हैं, हिंदी को हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी भी आ सकते हैं, बायलिंगुअल लैंग्वेज का यूज होता है। तो किसी भी प्रकार स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं दोस्तों, इनमें से फार्मूला ज्यादा पूछे जाते हैं, इनके उदाहरण सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले परिभाषा की बात करूं, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी पोटेंशियल, जिस वस्तु में, कोई सा भी वस्तु, जिस वस्तु में उनके स्थिति, अवस्था और आकार के कारण ऊर्जा विद्यमान हो उसे हम स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिक भी कभी कभी लिखे आ सकते हैं पेपर में, क्या कहते हैं, जिस वस्तु में उनके स्थिति, अवस्था और आकार के कारण ऊर्जा विद्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे कहा जाए आपसे, तो दीवारों में, दीवारों में ठुकता हुआ कील और अपने पास घड़ी की बात करते, घड़ी में जो स्प्रिंग लगी होती वो भी, उसमें भी कौन सी ऊर्जा विद्यमान होते हैं, स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होते हैं। और अपने छत पर पानी से भरी टंकी रहती है वो भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण होते हैं। तीर कमान की बात करते, तीर धनुष की बात करते, उनमें भी स्थितिज ऊर्जा की बात करते। तालाब कहीं भी खुदे हुए हो तो तालाब में भी जितना पानी स्टोर है, तो तालाब की बांध जो है बनी हुई रहती है उसमें कितने पानी स्टोर रहते हैं डैम में, तो वो भी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, उसमें भी क्या कहते हैं, स्थितिज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि कलाई घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा विद्यमान होते हैं, तो आपको बताना है स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होते हैं। तालाब के बांध में कौन से ऊर्जा विद्यमान होते हैं, स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होते हैं। तीर धनुष की बात करें तो आपको भी बताना उसमें भी स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होते हैं। ये सारे स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है, तो ये उदाहरण आपसे पूछ लिया जाता है, मैं आपको लिख भी दूंगा। यहां मैं लिख भी सकता हूं आपको कि स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, का उदाहरण, उदाहरण कौन कौन से बताएं, सबसे पहले दीवारों में ठुकता हुआ की, कभी ये उदाहरण नहीं पूछे गए पेपर में लेकिन मैंने आपको लिख दिया दीवारों, दीवारों में यदि किसी दीवार में अपन कील ठोकते हैं तो कील की लंबाई, व्यास, मोटाई के अनुसार उनमें ड्रिल होता है, छेद होती है, ठीक है ना, उसी उसमें क्या, कौन सी ऊर्जा विद्यमान है, स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है। दूसरा आपके मिल जाएगा उदाहरण, कलाई घड़ी में, कलाई घड़ी की स्प्रिंग में, कलाई घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा विद्यमान है, तो आपको बताना है स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है। इस तरह से इनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। उदाहरण के अलावा कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है,
ठीक है ना। तो यहां पे आ जाए आपको स्थितिज ऊर्जा को हम लिख सकते पोटेंशियल एनर्जी पी बराबर क्या होता है। तो स्थिति किसी भी स्थिति का मतलब कि किसी भी स्थिति में वस्तु हो सकता है। स्थिति तीन भी है, तीनों स्थिति तीनों स्थिति में कहीं भी होगा वस्तु, उनकी ऊर्जा की बात। तो स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थिति ऊर्जा बराबर सूत्र होता है एम जी एच। एम जहां एम क्या है द्रव्यमान, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, और एच क्या है ऊंचाई। तो द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g और ऊंचाई h, यानी वस्तु कहां रखी। फॉर एग्जाम्पल मतलब वस्तु यहां रखा हुआ तो इनमें कितने द्रव्यमान है, तो हाइट कितनी है, तो हाइट के अनुमेय वस्तु है। अब यहां से गिराऊंगा तो जितनी तीव्र गति से नीचे गिरेगा उसमें उतना ही अधिक ऊर्जा विद्यमान होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपसे पूछ लिया स्थिति ऊर्जा बराबर होता है क्या होता है, तो वहां पे आपको फॉर्मूला मिलेगा, तो आपको बताना एम जी एच क्या, जहां एम क्या है द्रव्यमान, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, और एच क्या है ऊंचाई, क्या है ऊंचाई। अब ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एनटीपीसीयू किसी भी, मैंने हर बार आपसे बात में बताते रहता हूं कि स्थिति ऊर्जा कोई भी किसी भी लेवल की बात हो तो उसमें फॉर्मूला भी जरूर पूछे जाते हैं। तो एमजीएच की बात करो तो एमजीएच भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्त ये हो गया यांत्रिक ऊर्जा के अंदर स्थिति ऊर्जा की बात के, अब अपन किसकी बात करेंगे गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी। अब गति ऊर्जा का किस तरह से परिभाषित करते हैं, परिभाषा कभी भी नहीं पूछा गया, जब भी पूछा गया तो इसका फॉर्मूला पूछा गया है और इनके उदाहरण पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो गति ऊर्जा का परिभाषा पूछते तो जिस वस्तु में उनकी गति के कारण ऊर्जा विद्यमान हो, जिस वस्तु में उनकी गति के कारण ऊर्जा विद्यमान हो उसे हम गति ऊर्जा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए घूमता हुआ पंखा, जो पंखे घूमते हैं उनमें कितना छोटा पंखा और बड़ी वाली पंखे, छोटी वाली पंखे और बड़ी वाली पंखे दोनों में अंतर होता है, उनमें उन्हीं के अनुसार ऊर्जा होता है। एक तो हीरो होंडा की गाड़ी की बात करें और एक स्कूटी की बात करें तो दोनों में भी ऊर्जा अलग अलग है, तो ये गतिज ऊर्जा है। बहती हुई नदी की बात करें, चलता हुआ हवा की बात करें, हवा पानी इन सब में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान है गतिज ऊर्जा। घूमता हुआ पहिया फॉर एग्जाम्पल में ले, ये सारे के सारे गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। बहती हुई नदी, चलती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया आदि, इन सब में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान है, इन सब में गति ऊर्जा विद्यमान, यानी गति के कारण जिस वस्तु में ऊर्जा विद्यमान हो वो क्या कहलाते हैं गति ऊर्जा कहलाते हैं। इनके उदाहरण भी पूछे जाते हैं डब पेपर में। अब इनके फॉर्मूला भी पूछ लिए जाते हैं, फॉर्मूला किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपके कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है। अब आपके पास यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, या कभी कभी ये भी पूछ लिया कि फॉर्मूला दे देगा तो आपको ये पूछेगा कि कौन सी ऊर्जा विद्यमान है, तो गति ऊर्जा बराबर क्या होता है। मैं डायरेक्ट आपको सूत्र की बात करूंगा, जब मैं फिर से दोबारा आपसे कह रहा हूं कि जब नए सेशन की क्लास करेंगे या नए क्लास होगी तो मैं बताऊंगा ये सूत्र भी किस तरह से निकाले जाते हैं, अन्यथा बाकी तो सूत्र ही पूछे जाते हैं पेपर में दोस्तों। क्या एक सूत्र क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी, एम क्या है द्रव्यमान और वी क्या है वेग, हाफ एम वी स्क्वायर। हमेशा हर पेपर में यदि साइंस के टॉपिक में बार बार कहते आ रहा हूं कि यदि पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो ये टॉपिक में से ये फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। आपके ध्यान रखना, राइट डाउन भी कर लो आप नोटबुक में। ये हो गए दोस्तों अपनी यांत्रिक ऊर्जा की बात कर ली, अब अपन बात करेंगे विद्युत ऊर्जा की, किसकी बात करेंगे विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा के बारे में बात कर ले। विद्युत ऊर्जा नॉर्मली अपन देख लो जो अपने घरों में जो आप खपत करते हो पंखा के रूप में, टीवी चलाने के रूप में, मशीन चलाने के रूप में, एलईडी हो गए, बल्ब हो गए, गाना म्यूजिक, इन सब में जितने में भी यूनिट खर्च होती, इकाई जो खर्च होती, जो बिजली बिल आते हैं वो सारे किस में आते हैं अपने विद्युत ऊर्जा में ही आते हैं। तो ये विद्युत ऊर्जा की बात हो गई, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास के लिए तब तक।